लुक समोर ठेवा हिंदी में सर, हिंदी में। आज दिन में 12:57 पे सर एच एन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के लैंडलाइन नंबर पर एक अननोन नंबर से एक कॉल आया था, जिसमें उन्होंने सर एच एन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल को उड़ाने की धमकी दी थी। इसके अलावा उस कॉलर ने, जो अज्ञात कॉलर है, उसने अंबानी परिवार के कुछ सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी थी। इस प्रकरण को मुंबई पुलिस ने इमीडिएटली गंभीरता से लेते हुए इसमें FIR दाखिल करने की प्रक्रिया डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में शुरू है। एच एन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल और एंटीलिया, ये दोनों जगह पे एंटी सबोटेज चेकिंग भी कराई गई है और यहाँ पे सुरक्षा में बढ़ती भी की गई है, सुरक्षा को इन्हांस किया गया है। यहाँ पे मुंबई पुलिस इस तरह की घटनाओं को लेकर के सजग है और बहुत जल्द हम इस आरोपी को अटक करके इस पे कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करेंगे। किसी व्यक्ति का नाम लिया गया है, किसी परिवार को नाम को लेके उस आरोपी ने ये इस तरीके की थ्रेट दिया सर? अंबानी परिवार के कुछ सदस्यों का नाम कॉल में लिया गया है, उस कॉल की विश्लेषण हमारी पुलिस की टीम कर रही है और आगे की जांच इसमें डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन के अधिकारी कर रहे हैं। सर कितनी बार कॉल आया था, कॉल ट्रेस कहाँ से हुआ, इंडिया से था, महाराष्ट्र से था, कहाँ से? एक कॉल आई थी, कुछ मिनट की थी वो कॉल, इससे आगे की इन्फॉर्मेशन अभी स्टेज पे शेयर करना उचित नहीं होगा, हम आगे की तपास इसमें कर रहे हैं। सर इसके पहले भी लगातार कॉल आ रहे थे, थ्रेट के कॉल आ रहे थे, इसके पहले भी गिरफ्तारी हुई, तो क्या लगता है कि ये थ्रेट क्यों बार बार अंबानी परिवार को दी जा रही है? पिछली जो अगस्त के महीने में इसी हॉस्पिटल के लैंडलाइन नंबर पर कॉल आई थी, उसमें मुंबई पुलिस ने इमीडिएट कार्रवाई करते हुए कुछ घंटों में आरोपी को अरेस्ट किया था और उसके ऊपर उचित कठोर कार्रवाई की गई थी। आगे भी इस प्रकरण में जो कॉल आई है, इसकी गंभीरता को देखते हुए इसमें आगे की कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर आखिरी सवाल, क्या 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 जो कॉल आया था उसने सिर्फ धमकी दिया, कुछ पैसों की डिमांड भी की है, क्योंकि अंबानी को सिर्फ धमकी आती है, पैसे के लिए भी किया? वो कॉल के विश्लेषण अभी हम कर रहे हैं, इसके बारे में अधिक टिप्पणी हम नहीं कर पाएंगे, बट धमकी कुछ परिवार के कुछ सदस्यों को नाम से धमकी दी गई थी।